आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज की न्यूज़ में उत्तरी पूर्वी दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में जो बसें नूरपुर चांदपुर बिजनौर की ओर जाती हैं उनके साथ एक घटना हुई। रात्रि 3:30 बजे जो है कुछ बदमाश ऑटो से आए और बस का दरवाज़ा खटखटाकर उठाया और पिस्तौल की नोक से उनको लूट लिया, पिस्तौल दिखाकर। जी हाँ, जिसकी सूचना जो है तत्काल पुलिस थाना दयालपुर को दी गई और पुलिस जैसे ही मौका मुआयना पर पहुंची, घटनास्थल पर पहुंची और वहां पर विवेचना में उन्होंने जो है एक बदमाश को हाथों हाथ दबोच लिया। सैल्यूट बनता है दिल्ली पुलिस पर। जी हाँ, और उससे पूछताछ की जा रही है जबकि बस वालों में भय व्याप्त है। देखें एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा। हाँ जी, कैसे कैसे मामला हुआ थोड़ा सा बताओ। रात को जाना हम 2:45 बजे, हाँ, ये 7 जने आए, 6-7 जने तो आगे बस। आप कहाँ पे थे? मैं गाड़ी में पीछे सो रहा था। डिलीवरी गाड़ी कहाँ खड़ी थी? अली बिल्डर वाली गली से पहली उड़ो को थोड़ी त्रिपाल बख्शे जा रही है। कौन सी गाड़ी कहाँ जाती है? चांदपुर जाती है, सफदलपुर। सफदलपुर जाती है। तो ये लूट का अंजाम जो दिया है इन्होंने, तो ये किस तरीके से दिया है ये बताइए आप। ये आया, गेट खुलवाया, डिलीवर हुआ कि जो पैसे है वो दे दो, देने को मना कर रहे थे तो तमंचा दिखा रहे थे। तमंचा रख दिया जी, कनपटी में तमंचा रखा। पहले बात पूछी, तमंचा दिखा फिर क्या? हाँ, फिर पैसे ले लिए। पैसे ले लिए हमने, दे दिए, डर गया मैं। कोई मारपीट वगैरह नहीं? कोई मारपीट नहीं हुई, मारपीट नहीं हुई, लेकिन रिवॉल्वर दिखा। हाँ हाँ, हम डर गए। अच्छा, कुछ लोगों को जो तुमने देखा है कुछ जानते हो आप? हाँ, शकल से वैसे जानता हूँ। एक लड़का है चांदपुर का, जी मैं आया हुआ, वो था साथ में। पुलिस कार्रवाई करी है आपने? हाँ, कर रही है पुलिस। मैंने तहरीर दे दी थी, अब पुलिस ने एक्शन लिया। हाँ, ले रही है पुलिस, ठाके लाई है वहाँ से जाके, एक्शन लिया। आप अपनी बस का नंबर बताएं थोड़ा सा। UP 23T95 नंबर है बस का। हमारी गाड़ी मुस्तफ़ाबाद से बिजनौर जाती है। बिजनौर जी। तो क्या हुआ, कैसे कर लो पूरी बात? रात हम अपना नाम रात, मेरा नाम कमर अली है, सियाना बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। रात हम जी बस पे ड्राइवर है, कंडक्टर? कंडक्टर हो साहब। बताइए किस टाइम रात हम सोए हुए थे, पूरा स्टाफ हम सोया हुआ था, उन्होंने गेट बजाया। अब आते रहते हैं व्यापारी लोग भी आते हैं, पैसेंजर भी आते हैं, हमें क्या पता कौन है। ऑटो से वैसे उतरे थे वो। आपने यात्री समझा? यात्री समझा, ऑटो से उतरे थे वो, कोई वैसे नहीं आए, कार से वगैरह कोई नहीं, ऑटो से आए तो ऑटो से तो हम सवारी समझेंगे। ऑटो वाले हमने गाड़ी हमने गेट खोला, फ़ौरन वो अंदर बोले कहाँ जाती है गाड़ी, कैसे होता है वहाँ जाती है। फ़ौरन उनने मेरे साथ लड़का हेल्पर है उसके कनपटी पर वो रखा, पिस्टल रखी, मतलब होसड़े वालों खर्चे को पैसे दो। हमारे पैसे हालांकि ज़्यादा नहीं थे मगर थोड़े बहुत हम रखे हैं, 1,000-1,500 रुपये थे वो उन्होंने छीन लिए। आपके कितने छीने? मेरे भी 1,000 ही रुपये थे। आपका गाड़ी? मैं भी अलग रखता हूँ। आपका गाड़ी नंबर? 5026। कहाँ जाती है, कहाँ तक? चांदपुर जाती है, मुस्तफ़ाबाद से चांदपुर। अच्छा, हमें सूचना मिली 3 गाड़ियों की जी, 4 की हुई है, 4 गाड़ियों की, चारों का ऐसे हुआ, चारों का साथ ऐसे हुआ। 4 गाड़ियों एक गाड़ी में से मोबाइल और 11,000 रुपये निकले। अच्छा, वो सोते हुए उन्होंने उठाया नहीं। गाड़ी नंबर उसका मुझे पक्का पता नहीं, मगर 4 गाड़ी है, कोई बात नहीं। 4 गाड़ी, एक गाड़ी एक 16 नंबर गाड़ी है, 7316, उसने भी तहरीर दे रखी है, हमारे साथ आया था, उसके पास कोई डिलीवर नहीं था, वो गाड़ी लेके चला गया। और गाड़ी सब उनके पास नहीं पहुँचे, हंगामा मचा था, कैसे फिर बाद में? हंगामा का एक एक करके करा उन्होंने काम, जैसे उठते रहे आपस में कांटेक्ट करते रहे। आपने किस टाइम तहरीर दी थाने में? मैंने दिया है फोन करा 4 बजे करी थी, 4 बजे। लूट का नंबर लगा नहीं था, फिर लूट को अंजाम देने आए थे वो कैसे थे, पैदल थे या मास्क लगा रखे थे? ऑटो से आए थे सर, ऑटो से आए थे, ऑटो से आए थे, मास्क लगा रखे। ऑटो वाले को भी 500 रुपये लिए, ऑटो वाले बंदी बना रखे, उसे भी बंदी बना के 2 जने गाड़ी ऑटो में बैठे रहे, वो हमारे साथ बेचारा तहरीर देने भी आया, सब ऑटो वाले ने भी दे दिया। आपके साथ है? हाँ, हमारे साथ। तहरीर चाहते क्या है आप? बस
सारे पकड़े जाने चाहिए, जो पकड़े जाने चाहिए, आगे को अंजाम नहीं। नहीं, आपका तो आना जाना रोज है, अब हमें खतरा भी है आगे के लिए, ये अंजाम नहीं, खतरा भी ये होना चाहिए। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया लाइक व सब्सक्राइब।